नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। राजस्थान के कोटा स्थित जेके लोन अस्पताल में नवजातों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी दो दिनों में यहां 9 और बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 100 तक पहुंच गया है। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत विपक्ष के निशाने पर है। वहीं बच्चों की मौत पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस साल शिशुओं की मौत के आंकड़ों में पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी कमी आई है। गहलोत ने आगे ये भी कहा कि कोटा को लेकर नोइंगली अननोइंगली इनोसेंटली कुछ लोग मिशीवियसली शरारत कर रहे हैं। जिस प्रकार मीडिया में चलाया गया वह ठीक नहीं है। आज मैंने खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की है। उनको मैंने कहा कि आप खुद एक बार पधारो, आप खुद मंत्री हैं, आप आते ही समझ जाएंगे कि स्थिति क्या है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जेके लोन अस्पताल कोटा में हुई बीमार शिशुओं की मृत्यु पर सरकार संवेदनशील है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोटा के इस अस्पताल में शिशुओं की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है, हम आगे इसे और भी कम करने के लिए प्रयास करेंगे। माँ और बच्चे स्वस्थ रहें, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में सर्वप्रथम बच्चों के लिए आईसीयू की स्थापना हमारी सरकार ने 2003 में की थी। कोटा में भी बच्चों के लिए आईसीयू की स्थापना हमने 2011 में की थी। स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार के लिए भारत सरकार के विशेषज्ञ दल का भी स्वागत है। हम उनसे विचार विमर्श और सहयोग से प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने के लिए तैयार है। निरोगी राजस्थान हमारी प्राथमिकता है। मीडिया किसी भी दबाव में आए बिना तथ्य को प्रस्तुत करे, उनका स्वागत है। एक तरफ बच्चों की मौत का आंकड़ा 100 पार कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ सीएम के ऐसे बयान आ रहे हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और बाकी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडी न्यूज़।